हेलो एवरीवन, हाय। तो जो आज की जॉब वैकेंसी है वो है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के रोल के लिए, और पैन इंडिया है, यानी आप कंट्री के किसी भी पार्ट से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। बॉय है गर्ल है आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वर्क फ्रॉम होम है, दैट मीन्स रिमोट वर्क है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी पार्ट से हों, कहीं पर भी बैठे हों, आप काम कर सकते हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म पे ये जॉब अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म का नाम है अनअकैडमी। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव नोन अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। ये अनअकैडमी जो है कोर्सेज सेल करती है, ट्यूटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, तो दैट मीन्स ये सर्विस इंडस्ट्री में है, और यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की जॉब ओपनिंग निकली है। नाउ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का रोल क्या होता है, अगर मैं शॉर्ट में जाऊँ तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जो होता है वो सेल्स डोमेन होता है, मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड होता है। इसमें आपको लीड्स जनरेट करनी होती है और उनको सेल्स में कन्वर्ट करके रेवेन्यू जनरेट करना होता है, दैट इज़ इट। शॉर्ट में ये है। लेकिन अगर हम टेक्निकली अगर हम जाते हैं तो इनके अकॉर्डिंग प्रेजेंट प्रोडक्ट सोल्यूशन वर्चुअली कोर्सेज बेस्ड है, तो आपको वर्चुअली यानी वर्क फ्रॉम होम है तो ऑब्वियसली वर्चुअली ही होगा प्रोडक्ट सोल्यूशन और सब कुछ। इनिशिएट कॉन्टैक्ट फेस टू क्वालिफाइड फेस ओवर फोन, जनरेटिंग रिवेन्यू बाय कन्वर्टिंग लीड्स टू सेल्स, नो कोल्ड कॉलिंग टारगेट्स। तो यहाँ पर कोई कोल्ड कॉलिंग टारगेट्स भी नहीं है। 6 days वर्किंग है विद 1 day ऑफ रहेगा, वो रोटेशनल रहेगा। नॉर्मली मंडे कहते हैं लेकिन वो रोटेशनल होता है कि किसी वीक में कोई ऑफ मिल जाता है, किसी वीक में कोई ऑफ, पर वो 1 day ऑफ होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। नाउ इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। दैट मीन्स अगर आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या आपने MBA जो है मार्केटिंग में की हुई है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। वर्क एक्सपीरियंस के पे अगर हम जाते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस दे हैव डिमांडेड फॉर 1 to 5 years, तो आपके पास मिनिमम 1 year का सेल्स डोमेन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही अगर अदर स्किल्स की बात की जाए कि थोड़ा सा इनका कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स भी है, दैट इज़ कि अगर आपके पास एडटेक एक्सपीरियंस भी है तो वो एडेड एडवांटेज होगा, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी डेफिनेटली। एडटेक कंपनी के बारे में मैंने एक बार एक अपनी पहले भी वीडियो में बात की थी, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी तो आप वो देख सकते हैं। वैसे एडटेक कंपनी जो होती है वो होती है एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, यानी जो आपके पुराने ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी एजुकेशन की उससे थोड़ा सा हटकर टेक्नोलॉजी को ऐड कर उसी एजुकेशन में वो एडटेक कंपनी बन जाती है। तो जो कंपनी एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी को मिलाकर कंबाइन करके एजुकेशन प्रोवाइड करती है, दैट इज़ एन एडटेक कंपनी। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो वो एडेड एडवांटेज है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर अबाउट दिस एडटेक कंपनी। नेक्स्ट इन्होंने बात की है कि आपको अच्छी नेगोशिएशन आनी चाहिए एंड प्लस पिचिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पास पिचिंग स्किल होना चाहिए। ऑब्वियसली सेल्स डोमेन में है तो आपको कस्टमर को पिच कैसे करना है, आपको पिच करके उसको कन्वर्ट कैसे करना है सेल्स में, वो आपको पास स्किल होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ काइंड ऑफ मस्ट इन दिस डोमेन। कन्विंसिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में ऑलमोस्ट मैं हर वीडियो में बात करती हूँ, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ इंग्लिश इन्होंने डिमांड की है कि आपके पास रिटन और वर्बल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, प्लस हिंदी का भी होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, राइट। तो ये तो रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी का जो बैंड है यहाँ पर वो है 2 lakh to 6 lakhs पर ईयर। सी सैलरी जो है मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, इसके बारे में भी ऑलमोस्ट मैं नियर अबाउट हर वीडियो में बात करती हूँ कि सैलरी डिपेंड करती है बहुत से फैक्टर्स पे। तो बहुत से लोग हैं ये सोचते हैं कि स्टार्टिंग सैलरी में भी 2 to 6 lakhs के बैंड में है, तो स्टार्टिंग सैलरी 2 lakh है तो बहुत ही कम है, कुछ काफ़ी कम रहेगी। बट सैलरी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दैट मीन्स योर परफॉर्मेंस, योर एक्सपर्टीज, योर एक्सपीरियंस, योर क्वालिफिकेशंस एंड मेनी मोर फैक्टर्स। तो ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग बैंड ही आपको मिलेगा, आप अप्लाई करके देखिए और किस लेवल पे आप वहाँ आते हैं और आपको क्या ऑफर किया जाता है, वो बहुत लेवल तक आप पर भी डिपेंड करता है। साथ में सैलरी के साथ ही ये कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि एडिशनल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको,
इंटरनेट अलाउंसेस प्रोवाइड करेंगे और सेटअप अलाउंस है वर्क फ्रॉम होम के लिए, ताकि आप वर्क फ्रॉम होम के लिए अपना पूरा सेटअप प्रिपेयर कर सकें, उसके लिए भी ये अलाउंस प्रोवाइड करेंगे। सो ये सब था अनअकैडमी के बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आई विल प्रोवाइड यू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ पर जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और उसी लिंक पर सारी डिटेल्स भी दी हुई हैं, अगर आप एक बार फिर से पढ़ना चाहते हैं, फिर से गो थ्रू होना चाहते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, प्लस वहीं से डायरेक्ट लिंक से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस टुडेज जॉब ओपनिंग। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर रिप्लाई करना थोड़ा और ईजी हो सकता है। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू सून विद अ न्यू अपॉर्चुनिटी। टिल देन नमस्ते।